अरे दोस्तों, आज हम आपको वॉशिंग मशीन में अगर कोई कॉइन फंस जाए तो निकालना सिखाते हैं। सबसे पहले ये सैमसंग का वॉशिंग मशीन है, 7.2 kg, जैसे आपको पता ही है। इसको ढक्कन खोलेंगे, नीचे देखेंगे तो इसमें आपको एक नट दिखाई देगा, देख रहे हैं ये नट। इस नट को हमें खोलना है। अंदर कुछ है बता दो। ओ वाओ, निकल गया।
बंद कर दूँ? एक बार है ना, जितना निकल रहा है ना उसको एक बार मैं एडिट करूँ, ठीक है? चम्मच मत लो, बहुत छोटी सी चीज। अब हमारे सफाई का काम पूरा हो गया, अब हम वॉशिंग मशीन को साफ कर देते हैं। पूरा वॉशिंग मशीन साफ हो गया है, अब हम इसकी फिटिंग करते हैं। आपको क्या हो गया? सबसे पहले इसका ये लगा देंगे जो हमने निकाला था, ये लगाना बहुत जरूरी है। उसके बाद इधर, उसके बाद हम इसके चारों नट टाइट कर देंगे जो हमने निकाले। बारी बारी करके चारों नट अच्छे से टाइट करना है, वरना दिक्कत हो सकती है आगे। ऐसे करके चारों नट टाइट कर दिया, इसकी चरखड़ी को भी एक बार अच्छे से हम धो लेंगे। एक सेकंड, अभी इसको हम साबुन से धो लेंगे, जिस तरह हमने चरखड़ी निकाला था उसी तरह लगा देंगे इसको।
चरखाई लगी है, चरखाई लगाने के बाद इसका नट लगा देंगे। अच्छे से टाइट कर देगा। टाइट कर दे और आप देखोगे कि हमारा वॉशिंग मशीन में आवाज आना बंद हो गया। अब प्रॉपर काम कर रहा है और इसमें पहले जितना साउंड भी नहीं है, तो बेस्ट ऑफ लक। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसमें से कितना गंदगी निकला है। ये निकला मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।